कभी साथ मिलकर पूरी दुनिया को हंसाने वाले कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर आज अपनी आपसी लड़ाई की वजह से चर्चा में हैं। कपिल के नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा से कुछ दिन पहले ही दोनों कॉमेडियंस के बीच ट्विटर पर कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ट्विटर पर सुनील ने एक फैंस के जवाब में लिखा कि उन्हें कपिल के नए शो के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो कपिल ने उन्हें झूठा कह डाला। इस बीच सुनील ग्रोवर ने इसी मुद्दे पर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कई बातों का खुलासा किया है। सुनील ने कहा है कि वो इस बात को मानते हैं कि कपिल के पुराने शो में वापस बुलाने के लिए उन्हें कई बार बुलाया गया था, लेकिन फ्लाइट में हुए विवाद के बाद वह खुद को शो के लिए तैयार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कपिल के इस नए शो के लिए उन्हें किसी का भी कॉल नहीं आया। सुनील ने कहा कि लोग बार बार उनसे पूछ रहे थे कि आप इस शो का हिस्सा हैं या नहीं, तो इसलिए उन्होंने एक फैंस को जवाब दिया, उन्होंने पर्सनली कपिल को कुछ नहीं कहा। सुनील ने कहा कि ट्विटर पर हुए वॉर की शुरुआत उन्होंने नहीं की, उन्होंने सिर्फ सच्चाई बताई, लेकिन कपिल का ऐसा जवाब आएगा ये उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं कपिल के साथ दोबारा काम करने के जवाब में सुनील ने कहा कि अगर उनके पास कोई कॉल आया होता तो वो जरूर इस बारे में सोचते। फिलहाल सुनील इस बात को भी मानते हैं कि कपिल के शो की वजह से उन्हें इतना स्टारडम मिला। आप सुनील के इन जवाबों से क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट के जरिए बताइए। और टेलीविजन और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।